हेलो दोस्तों, क्या आप खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो? अगर हाँ तो शायद इस मूवी के एंड तक ना समझो। मूवी को बहुत ध्यान से देखना और सुनना ताकि ये पता कर सको कि आखिर ये इंसान है कौन। तो चलिए ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक शख्स जमीन पर चारों खाने चित पड़ा था। तभी वहाँ एंट्री हुई हमारे सस्ते मिल्खा सिंह की और उसको डॉक्टर ने बताया कि आज ये बंदा बचता नहीं अगर इसने अपना सर नहीं बचाया होता। उन्होंने ये भी बताया कि ये मेंटली ठीक नहीं होना चाहता, इसको अपना नाम तक याद नहीं रहता, लेकिन एक दिन इसको अपना नाम याद आया और तभी सीन फ्लैशबैक में आया जहां हमें वीर सिंह नाम का शख्स क्रिकेट कोचिंग देते हुए दिखा। वीर सिंह असल में एक एनजीओ चलाता था और इस एनजीओ से पहले वो स्पेशल फोर्स में अंडरकवर एजेंट था। उसी बीच उसका दरोगा दोस्त सुनील उससे मिलने आया। उनकी बातों से पता चला कि बच्चा हत्याकांड केस अब सुनील को दे दिया गया है, जो पिछले 5 साल में भी सॉल्व नहीं हुआ। अगले सीन में हमें दो लड़के दिखे जो खेत में जा रहे थे, तभी उन्हें आग जलते हुए दिखी। वो दोनों आग की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही आग के पास आए तो देखा कि उस आग में दो बॉडीज जल रही थी। तभी उन्होंने 100 नंबर को फोन करके बुला लिया। पुलिस के साथ साथ वहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर सालुखे भी आ गए और उन जलवी बॉडीज के माँ बाप भी। सुनील उन लड़कों से पूछने लगा कि खेत में क्या करने आए थे। उन्होंने बताया कि हम सांप छोड़ने आए थे, लेकिन सांप तो छूटा नहीं, हमारे पसीने जरूर छूट गए। फिर सुनील ने पूछा कि क्या तुमने किसी को देखा, तो उन्होंने एक ब्लैक एक्सयूवी देखी थी जिसकी लास्ट 3 डिजिट उन्होंने सुनील को बता दी। सुनील ने कमांड किया कि एरिया में फौरन नाकाबंदी कर दो। नाकाबंदी में एक ब्लैक एक्सयूवी आती दिखी, लेकिन पुलिस को देखते ही ड्राइवर कार को बैक करने लगा। वहीं पीछे से एक ट्रक आ रहा था, इसलिए ड्राइवर कार से उतर के जंगल में भाग गया। पुलिस ने कार में देखा तो वहाँ खून के निशान थे। गाड़ी की इंफॉर्मेशन से पुलिस फेरा नाम के शख्स तक पहुँची, जिसने बताया कि काफी बार उसने वो गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर खड़ी देखी है। पुलिस छानबीन करते हुए फार्म हाउस पर पहुंची, जहां उन्हें बेसमेंट का एक दरवाजा मिला। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो काफी स्मेल आई और वहाँ का सीन देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। सुनील फिर वीर सिंह के पास पहुँचा और उसको 2 बच्चों के मर्डर केस में अरेस्ट करके थाने ले गया। वहाँ उससे नॉर्मल पूछताछ होने लगी, जिस पर वीर सिंह का यही कहना था कि मैंने कुछ नहीं किया। अगले सीन में हम एक अंकल को देखते हैं जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं, सॉरी एक ईमानदार एडवोकेट। उनको एक कॉल आया जो कि गवर्नमेंट साइट से था। वो लोग वीर सिंह के केस में गवर्नमेंट की तरफ से अमित को हायर कर रहे थे और वीर सिंह की तरफ से उसका एक लॉयर जय सिंह को साथ ही ये ऑफर भी था कि केस जीतने पर उसको राज्यसभा में एक सीट दे दी जाएगी। वीर सिंह को जेल में लेके आया गया। वहीं अमित अपनी पलटन के साथ बैठकर ये डिस्कस करने लगा कि हमें वीर सिंह की रेपुटेड इमेज को साइड में रखकर ये केस जीतना ही है। इधर जेल में वीर सिंह को किसी गुंडे दादा शाह के लोग बुली कर रहे थे। अगली सुबह केस की पहली हेयरिंग हुई। अमित ने अपने स्टेटमेंट से शुरू किया कि इस इंसान ने 2 बच्चों को जलाकर उनकी हत्या कर दी और पुलिस को इससे रिलेटेड काफी सबूत मिले हैं। वहीं जय सिंह बोला कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन जीतने का एक प्लान है ताकि एक शख्स को इस केस में फंसाकर अपनी नाकामयाबी छुपा सके। ये सुनकर अमित ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुनील को कटघरे में बुलाया और सुनील ने फिर बताना शुरू किया कि जो ब्लैक एसयूवी उन्हें मिली थी वो फेरा नाम के एक आदमी ने 5 साल से भाड़े पर दी हुई है, लेकिन फेरा उस आदमी से सिर्फ एक बार मिला था और एक दिन फेरा ने गाड़ी का पीछा किया तो वो गाड़ी फार्म हाउस के सामने खड़ी थी। वो फार्म हाउस और किसी का नहीं बल्कि वीर सिंह का है। उसके चाचा ने 5 साल पहले वो फार्म हाउस वीर सिंह को दे दिया था। वहीं वीर सिंह इस पेपर वेट से खेल रहा था। तब जय सिंह फिर बोला कि मेरे क्लाइंट के कोई फिंगरप्रिंट क्यों नहीं है
और ना ही आपने मेरे क्लाइंट को देखा ब्लैक एसयूवी से भागते हुए, और उस टाइम मेरे क्लाइंट अपने एनजीओ में थे। वहीं सुनील बोला कि नाकाबंदी स्पॉट और फार्म हाउस में सिर्फ 5 किलोमीटर का फर्क है, और 2 घंटे में 5 किलोमीटर चलना या दौड़ना इतना मुश्किल नहीं है किसी सीक्रेट एजेंट के लिए। इन्हीं बातों में केस की पहली सुनवाई खत्म हुई। वीर सिंह को वापस जेल लाया गया, जहां फिर से दादा शाह के लोग उसे परेशान करने लगे। अगली सुनवाई में अमित ने उन बच्चों की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर को बुलाया, जिसने बताया कि जीते जी और मरने के बाद भी बच्चों का रेप किया गया और फिर उनका गला दबाकर मार दिया। लेकिन एक बच्चे ने खुद को बचाने के लिए खूनी के हाथ को काट लिया, जिससे खूनी की स्किन का कुछ हिस्सा उसके दांतों में आ गया, जिसको डीएनए के लिए भेज दिया गया है। और अमित ने बताया कि अरेस्ट करते टाइम वीर सिंह के हाथ पर एक जख्म था। तभी जय सिंह बोला कि वीर सिंह बच्चों को कोचिंग देते हैं और वो निशान बॉल से आए थे। फिर कटघरे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट माया आई, जिसने बताया कि वीर का डीएनए बच्चों के ऊपर पाए गए डीएनए से मैच हो रहा है, और जो प्रोटेक्शन वीर सिंह के घर में मिला वही सेम प्रोटेक्शन के रेसिड्यू बच्चों की बॉडी में भी देखने को मिले हैं। तभी जय सिंह बोला कि सेम प्रोटेक्शन तो मैं भी यूज करता हूँ, इसका मतलब मैं किलर हो गया, और क्लैरिफाई करने लगा कि हम कहीं भी जाएं हमारा डीएनए वहीं प्रेजेंट हो जाता है, तो वीर सिंह के फार्म हाउस में उसका डीएनए तो होना ही है। अगले दिन अमित एक नए सबूत के साथ आया, लेकिन जय सिंह ने ऑब्जेक्शन किया कि मुझे इस एविडेंस की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी गई। इसलिए जज ने उस एविडेंस के डिफेंस में जय सिंह को 10 दिन दे दिए। अमित ने फिर अपने गवाह यशपाल को बुलाया। यशपाल वीर के साथ पहले सिक्योरिटी फोर्स में ड्यूटी पर साथ ही रहता था। उसने बताया कि उन्हें एक मिशन पर भेजा गया था, जहां वीर सिंह का नकली नाम रंजीत था। उस मिशन में उन्हें एक बिजनेसमैन को ट्रैक करना था। उस बिजनेसमैन की कमजोरी थी बच्चे, और वीर सिंह ने उसी कमजोरी का पकड़ लिया। और एक दिन वो बिजनेसमैन अरेस्ट हुआ और उसके घर से 2 बच्चों की लाश मिली, जिस पर वो मना ही करता रहा कि वो बच्चों को नहीं लेके आया और ना ही उसने उन्हें मारा। इसके पीछे रंजीत यानी वीर सिंह का हाथ है, और तब से वीर सिंह का कुछ अता पता नहीं था। ये बताते बताते यशपाल बहुत एग्रेसिव होने लगा और सुनवाई वहीं रुक गई। उसी शाम जय सिंह ने वीर को जाके बताया कि बच्चे के मुंह में जो स्किन मिली उसका डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच हो गया है, और बोला कि तुम्हें बचाने के लिए मैं सैंपल को यूएसए भेज रहा हूँ ताकि रिपोर्ट में डाउट क्रिएट कर सकूं। वीर सिंह वहां से निकल के खाने के लिए आया, जहां उसे खाना ही नहीं दिया जा रहा था क्योंकि दादा शाह ने मना कर दिया था। वो वहां से दादा शाह के पास आया और उसकी आंख। तभी वहां दादा शाह के लोगों ने वीर सिंह का भूत भर दिया। यही था हमारा फर्स्ट सीन, जहां एक आदमी हमें चारों खाने चित पड़ा हुआ दिखाया गया था, और जय सिंह को डॉक्टर ने वही सब बताया। जय सिंह फिर जज से मिलने आया और बताने लगा कि वीर सिंह को कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसे में सुनवाई नहीं कर सकते। और जज ने कह दिया जब वीर सिंह को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी तभी हम सुनवाई कंटिन्यू करेंगे। 3 महीने बाद डॉक्टर ने वीर सिंह को बताया कि इसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं हो रही। वीर सिंह खुद को वीर सिंह मान ही नहीं रहा, वो एक लड़की की तरह बिहेव करने लगा है, उसको अपना नाम तक याद नहीं, वो पूरा एक लेडी की बॉडी लैंग्वेज में चेंज हो चुका है। और एक दिन जब उसको अपना नाम याद आया तो उसने बताया कि उसका नाम है चारू, और रात को वो अपने बाल सवार रहा था, नेल पेंट लगा रहा था। जय सिंह वीर से मिला और उसे समझाने लगा कि इस नाटक से कुछ नहीं होगा, लेकिन वीर जैसे वीर था ही नहीं, उसको कुछ याद ही नहीं था। जय सिंह को ये सिर्फ उसकी चाल लगी, इसलिए उसने कोर्ट में सुनवाई की डेट फिक्स कराई और वीर को जेल भेज दिया। जेल में जाते ही लोग वीर को परेशान करने लगे, क्योंकि अब वीर चारू की पर्सनैलिटी में था, और दादा शाह ने इसका फायदा उठा के उसका रेप कर दिया। वीर तब भी एक लड़की की तरह ही बिहेव कर रहा था। अगले दिन वीर को सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया। अमित अपनी स्टेटमेंट देते वक्त बार बार उसे वीर ही बोले जा रहा था, जिस पर वीर ने मना किया कि मैं चारू हूँ, लेकिन अमित माना नहीं।
और वीर कहकर ही बुलाने लगा। तब वीर ने अपना सर फोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर जज ने जयसिंह को बुलाया और बोला, ये सब क्या लगा रखा है? तब जयसिंह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था। फिर जज ने फैसला लिया कि वीर सिंह के लिए एक साइकाइट्रिस्ट को हायर कर लेते हैं, ताकि वो पता करे कि वीर सिंह नाटक तो नहीं कर रहा। अगले दिन जज ने डॉक्टर नंदी को बुलाया। डॉक्टर नंदी ने बताया कि हो सकता है वीर एक डिसऑर्डर से परेशान हो, जिसमें इंसान के अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटीज आ जाती है। ये डिसऑर्डर अक्सर किसी ट्रॉमा से होता है, और वीर ने अपनी माँ को 3 साल की उम्र में खो दिया था। फिर डॉक्टर नंदी वीर से बात करने लगे, उसके बारे में पूछने लगे। तब वीर ने बताया कि उसका नाम चारू रैना है, वो कश्मीर से बिलोंग करती है, उसकी शादी विनोद नाम के आदमी के साथ हुई और उसकी एक बेटी भी है। उसने बोला कि मुझे घर जाना है, मेरे पति को फोन करके बुलाओ, और उसने एक फोन नंबर भी बताया। जज ने अपने फोन नंबर से डायल किया और दूसरी तरफ से जो आदमी बोल रहा था वो और कोई नहीं बल्कि विनोद ही था, चारू का पति। जज ने तभी उसके पति को बोला कि लखनऊ कोर्ट आ जाओ, और इधर चारू इनसे नेल पेंट मांगने लगी। अगले ही दिन विनोद जज के पास पहुंचा। विनोद ने बताया कि उसकी शादी उससे 20 साल छोटी लड़की जिसका नाम था चारू उससे हुई थी, लेकिन 10 साल पहले चारू वहां से गायब हो गई और उसने अब दूसरी शादी कर ली। तभी वहां चारू की एंट्री कराई गई और वो विनोद को देखकर बहुत खुश होने लगी और पूछने लगी कि कैसे हो विनोद, हमारी बेटी कैसी है? ये सुन के विनोद बोला, अरे मैया ये क्या देख लियो, और वहां से भाग गया। ये सब सीन में समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। अब सिर्फ एक ही लीगल तरीका बचा था कि चारू को हिप्नोटाइज करके उसके पास्ट के बारे में पता लगाया जाए। डॉक्टर नंदी ने चारू को हिप्नोटाइज किया और उसके पास्ट के बारे में पूछने लगे। तब चारू ने बताया कि उसकी शादी एक 20 साल उम्र में बड़े बुड्ढे के साथ हुई थी और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी होने के वजह से उनको एक साथ सोना पड़ता था। उनको एक बच्चा भी हुआ। तभी उसकी मुलाकात एक रंजीत नाम के शख्स से हुई, जिससे वो फिर अक्सर मिलने लगी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन रंजीत ने कहा कि वो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, वो उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज देगा, और चारू ने उन बच्चों की फैमिली से बात करके उन बच्चों को रंजीत के हवाले कर दिया कि वो उनका स्कूल में एडमिशन करा देगा। लेकिन एक दिन चारू ने उन बच्चों में से एक बच्चे को एक घर में देखा। ये देख के वो रंजीत के पास भागी और उससे सब पूछने लगी। तब रंजीत ने कहा कि मैं खुद चेक करता हूँ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम दोनों पुलिस के पास चलेंगे। लेकिन चारू का दिल नहीं माना और उसने स्कूल को लेटर लिख दिया। जब लेटर का रिप्लाई आया तो लिखा था कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं। इस बार चारू ने सब कुछ जाके पुलिस को बताया सिवाय रंजीत के बारे में। तब वो बिजनेसमैन अरेस्ट हुआ और उन दो बच्चों की लाश निकली। इसके बाद चारू रंजीत के पास आई और उससे सब पूछने लगी। तब रंजीत ने बताया कि मेरा असली नाम वीर सिंह है, मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चों को बचाना था, लेकिन तुम्हारी एक भूल की वजह से हमने बहुत सारे बच्चों की जान खो दी। दोनों इमोशनल होकर रोने लगे और तभी रंजीत यानी वीर सिंह ने चारू की गर्दन मरोड़ दी। फिर से कोर्ट की सुनवाई हुई और अमित ने अपनी स्टेटमेंट रखते हुए कहा कि इन सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि वीर सिंह को सजा दी जाए। लेकिन जय सिंह का कहना था कि यहाँ वीर सिंह है कहाँ, यहाँ तो चारू है, और जब चारू ने कुछ नहीं किया तो उसको सजा कैसे दें? फिर एक घंटे का ब्रेक हुआ और तब जज ने कहा कि जुर्म करने वाला दिमाग होता है, शरीर तो बस एक यंत्र है, इसलिए दिमाग तो वीर सिंह का था क्राइम करने में। जब वीर सिंह का दिमाग वापस आएगा उसके बाद ही केस की कोई सुनवाई होगी, तब तक वीर सिंह का सिर्फ इलाज ही चलता रहेगा। ये सुनकर अमित अपसेट हो गया, और वहीं जय सिंह केस एक तरह से जीत चुका था। लेकिन दोस्तों, तभी हम देखते हैं वीर सिंह ने उस पेपर वेट को उठाया और घुमाना शुरू किया। लेकिन वीर सिंह जब भी चारों में बदलता था उसने कभी पेपर वेट को हाथ तक नहीं लगाया, और मैं क्या बताऊं,
इसकी ये आंखें काफी है सारे पत्ते खोलने के लिए। आप कमेंट्स में बताना कि ये चारू है या फिर वीर सिंह। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट्स करके जरूर बताना। और ऐसी ही दिमाग घुमा देने वाली एक्सप्लेनेशंस सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार मेरे दोस्त। और ऐसी ही एक और मूवी देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक कर लो। मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।